नवीन जिंदलोगा जी को निकलता वोट मांगना है। ऐसा क्यों? उसने पता है अभी दोबारा का रहता है। अच्छा हाँ, जी तोड़ रहा है। हाँ जी तोड़ रहा है बिल्कुल 100% और केले तक कछाई हुई है। खुदे ने जी करता इसका खड़ा होना है। ड्रा के ले आए क्या? डर क्या है अंदर जेल में डर रहे। अच्छा उस तरह डर गया। हाँ पे कोला कुटा लगा कर खेल रहे हम दो नोटा में गिर गए। क्या तक गिरोगे नोटा? क्या पे मारो मनो नहीं करता। सारे नलायक हैं। सारे नलायक हैं सारे टोटली। सुशील गुप्ता ईमानदार पार्टी का लीडर है और ईमानदार आदमी है केजरीवाल। नए आदमी को भी मौका मिलना चाहिए। दिल्ली में और पंजाब में बहुत बढ़िया काम कर रखा है। सबसे ईमानदार लीडर है। जीत और उसकी जीत अलग है। तो अबे क्यों तो ऐसा वर्क करके पोस्ट कर रहा है, ताश कर रहा है, मान दे समान दे पैसा दे। कांग्रेस जी तो जान जाए सोच है। लगता तो नहीं हुआ अभी अपना जो सुशील गुप्ता है ना ये पक्का 100% जीता। 100% गलत काम करेंगे तो जेल में जाएंगे। सारे गलत काम करा कौन सा सही करा है? अच्छा बता दे मैंने एक सही करता हूँ क्षेत्र में। सुशील गुप्ता से। सुशील गुप्ता क्या चाहते हैं आपके बार कैसा होना चाहिए आपका सांसद? मैं दिल से आखिरकार अब की बार कुरुक्षेत्र का सांसद कौन होगा? लगातार लोगों की राय जानने के लिए हम गांव दर गांव शहर दर शहर और वार्ड दर वार्ड पहुंच रहे हैं। पार्कों में भी हम जा रहे हैं और लोगों की राय जान रहे हैं कि लोग चाहते क्या है। अब की बार लोगों की मन की बात क्या है? तो तमाम हमारे आदरणीय बुजुर्ग हमारे साथ हैं, युवा साथी हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे और अब की बार उनके मन में क्या है, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट करेंगे और कौन सा उम्मीदवार उनकी उनकी सभी बातों पर खरा उतरता है, तो उसको लेकर नमस्कार। क्या नाम आपका? राजवीर सिंह। अच्छा राजवीर जी, क्या लगता है अब की बार कुरुक्षेत्र जो है लोकसभा हरियाणा की सबसे हॉट सीट बन गई है, तो अब की बार क्या लगता है? अब की बार तो इसमें गठबंधन का प्रत्याशी है जो सुशील गुप्ता, ये काफी लीड में चल रहा है। बढ़िया सिस्टम इसका। ऐसा क्यों लगा? ऐसा क्योंकि वर्करों की अनदेखी हुई बीजेपी में, इसलिए वर्कर ही उसके खिलाफ है। अच्छा वर्कर ही उसके खिलाफ है, इसलिए इसका ज्यादा जिम्मेदारी इसका बनेगा। तो सुशील गुप्ता तो पहली बार आए हैं यहाँ पे, नवीन जिंदल पुराने हैं, अभय सिंह चौटाला भी। जिंदल 10 साल के बाद अब आए हैं और उसका कोई वो भी नहीं था बीच में, अगर आए तो अब जनता से तो लगाव टूट गया ना बीच में। लेकिन 10 साल तो बहुत सही रहा उनका कार्यकाल। 10 साल पर बढ़िया रहा, इसमें कोई देर दो रहे नहीं। नवीन जिंदल काम किए, बाकी अब तो लोगों का रुझान भी चेंज हो गया ना। अच्छा बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है तो ऐसा बदलाव का क्या कारण रहा कि बदलाव जनता क्यों चाहने लगी? कुछ लोगों का काम नहीं हुए, हर रोज धरने प्रदर्शन, एम्प्लॉइज ने ले लो, किसान ने ले लो, व्यापारी ने ले लो, छोटे ने, सारे हड़ताल पे, आंगनबाड़ी ले लो, किसी ने भी ले लो, धरने प्रदर्शन ये रहे किसी मतलब काम नहीं। पब्लिक रोष रहा, धरने प्रदर्शन चलते रहे, रोष रहा, इसकी बगावत कर रहे लोग, खिलाफत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो बदलाव का चेहरा कौन है? अगर बदलाव अगर चाहती है जनता तो चेहरा कौन होगा? चेहरा तो कैसे किसको भाई? तो कुरुक्षेत्र में तो फिर सुशील गुप्ता को लगा रहे हैं। सुशील गुप्ता को लगा रहे हैं हम तो, बिल्कुल लगा रहे हैं। पक्का है कि जीत जाएगा? पक्का 100% हम तो लगा रहे हैं, जब हमारी वोट उधर जाएगी। चलिए सुशील गुप्ता जी पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बाबू जी हमारे साथ है। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? ओम प्रकाश। अच्छा ओम प्रकाश जी, क्या लगता है आपके बार कुरुक्षेत्र का जो रण है वो कौन जीते? भाई हम तो सरसा पड़ा कुरुक्षेत्र हमारा, मतलब वोट जाऊंगा चल जाऊँ तो जी। अच्छा अभय चौटाला को दोगे वोट? जीत तो और उसकी जीत अलग है। तो अभय को क्यों दोगे? ऐसा अभय वर्क करके पोस्ट कर रहा है, ताश कर रहा है, मान दे समान दे पहचान दे। कांग्रेस जी तो जान जाए बीच का सोच है, अरे रुक खड़े खड़े रुक कर भी लगा। और वाजपाड़े में तो बहुत कुछ देने लग रहे हैं। वाजपाड़े तो ईडी में भी ठोकने लग रहे हैं लोगों ने। ईडी में ठोकने लग रहे हैं? अच्छा वो तो ठीक है वाजपाड़े जो जो कर रहे पाछ रहे हैं यो पंगा ज्यादा कर। बच्चों सब बोल रहे हैं ना कि ईडी भेज दे, मतलब है दुष्यंत का जो ईडी। अच्छा दुष्यंत का नंबर है? आओ दुष्यंत का क्यों ना बोल ले उल्टा। तो अभय चौटाला को सही मान रहे हैं आप? सही है, सही हमारा लीडर हो जब शुरू से। अच्छा उसके साथ शुरू हम तो सरसा निर्माण द्रोड़ था हम तो जी। अच्छा हम तो उसका ला जी। अच्छा उसका ही प्रचार करेंगे? प्रचार कर रहा हूँ बेरवा लोग ना उसका वर्क कर रहा है वहाँ जी, उसके वोट मांगा जी। अच्छा। कोई देव ना आज उसकी मर्जी हम देव। अच्छा बीजेपी का नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं माना जी, हम तो वर्क कर उसके वर्क। चलो अभय सिंह चौटाला का भी कहीं ना कहीं नाम आ गया कुरुक्षेत्र लोकसभा से। बाबू जी क्या नाम है? मुनिराम है जी। अच्छा मुनिराम जी क्या लगता है आपकी बार? देखो जी लगता तो नहीं हुआ अभी कि अपना जो सुशील गुप्ता है ना यू पक्का 100% जीता। 100% किस तरह कहने लग रहे हो? नवीन जिंदल भी अनुन्ना है, अभय सिंह चौटाला भी अनुन्ना है। मानता हूँ जी, नवीन जिंदल मारे आदमी है, कोई दूसरा नहीं है।
नवीन जिंदल तो एक धक्का तो खड़ा करया गया, नवीन जिंदल का जी नहीं करता और ना वोट मांगने जी करता। अच्छा और बोलो। अच्छा नवीन जिंदल का नहीं जी करता? नवीन जिंदलों का जी को नहीं करता वोट मांगना है। ऐसा क्यों? उसने पता है इतवार आगा रहता है। अच्छा हाँ जी तोड़ रहा है। हाँ जी तोड़ रहा बिल्कुल 100% और बोलो। अच्छा तो हार का कारण बनेगा? हार का कारण बनेगा। जीतेगा कौन? सुशील गुप्ता। अच्छा अबे चौटाला भी तो ठीक है। नो जी नो खामने नहीं आगे आ जाए चौटाला अबे चौटाला ये तो जवान जब्त हो गए इनकी तो। अच्छा इनकी तो फिर सुशील गुप्ता पे इतना विश्वास क्या था? ऐसा क्या कर दिया सुशील गुप्ता? सुशील गुप्ता ने जी हम तो कांग्रेसी हैं शुरू से। अच्छा और आप इसका गठबंधन है? अब हम तो इस मतलब के शुरू से कांग्रेस की वोट जा रही से देवा। सुशील गुप्ता हाँ जी आने वाला भविष्य में आम आदमी पार्टी दिखे और दिखते नहीं कुछ आम आदमी पार्टी ने ऐसे क्या कर पंजाब में बढ़िया करके दिल्ली में बढ़िया करके जेल में सारे नहीं पड़े कौन सा नहीं जिसकी सरकार उसका करतार मलंग आदमी किसान की जेल में गिरते हो काम करेंगे तो जेल में जाएंगे सारे गलत काम करा कौन सा सही करा है बता दे मैंने सही करता हूँ कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता से सुशील गुप्ता नवीन नहीं ना अबे नहीं ना क्या था मर्जी हमारी अच्छा मर्जी है ये खासियत लगी गुप्ता जी में बढ़िया आदमी है बढ़िया आदमी है लगा पंजाब और दिल्ली की तरह काम हो जाएगा काम उससे बढ़िया होगा। अच्छा अच्छा भाजपा आ गई ऊपर सुशील गुप्ता ने भी तो ले जाएगी फिर कौन काम करा ले जाएगी ले जाएगी फिर तो ले जाएगी फिर तो अंदर ढोकेगी। अच्छा हाँ फिर ले फिर तो हम भी लग रहे ऐसा नहीं काम करो फिर काम ऐसा करो सारे नलायक है सारे टोटली पहली बार आया सुशील गुप्ता तो नलायक सारे नलायक है हम तो नोटा में देंगे। अच्छा नोटा पे देंगे। पहली बार इतने सर्वे के दौरान एक व्यक्ति ऐसा मिला है जो नोटा पे बटन दबेगा सारा था नाराज के बात पर तो ठीक होगी सारे ठीक है मतलब लागे तो है किसे नहीं दिन दिया मैं। अच्छा नोटा ने देवेंगे नोटा बहुत बढ़िया आदमी है नहीं सर इनका अरे मैं गेट देनी गेड़ा नोटा में देखो लोकतंत्र में पर्व है नोटा में गिरा नोटा पे गिरा हमने कोई भाजी क्या नाम है कृष्ण कुमार क्या है? लगता है आपकी बार सुशील गुप्ता का देवांगे वोट जरूर सुशील गुप्ता जी को देंगे। अच्छा ऐसा क्या है सुशील गुप्ता जी का? सुशील गुप्ता ईमानदार पार्टी का लीडर है और ईमानदार आदमी है केजरीवाल नए आदमी को भी मौका मिलना चाहिए दिल्ली में और पंजाब में बहुत बढ़िया काम करके है सबसे ईमानदार लीडर है। अच्छा नवीन जिंदल और यहाँ पे सिंह चौटाला ईमानदार नहीं है? नहीं नवीन जिंदल भी ईमानदार है लेकिन फिर यो धक्का पकड़ के लिया हुआ है। अच्छा इसके अंदर धक्का शाही हुई है खुद ही जी करता इसका खड़ा होना है। डरा के लिया है क्या डर गया यू अंदर कोला घुटा लगा कर खेल रहे तो सुशील गुप्ता मजबूत है यहाँ पे जिता के भेजोगे फिर अब तो जाके भेज जाओ जी बिल्कुल। अच्छा चलो लगातार लोगों की राय जान रहे हैं बाबूजी हमारे साथ है बाबूजी से भी जाने नमस्कार बाबूजी क्या नाम है ज्योति प्रसाद। अच्छा जी क्या चाहते हैं आपके बार कैसा होना चाहिए आपका संसद? आप पर तो मैं दिलचस्पी लंदे को नहीं है। अच्छा वोट तो कल लोगे? हाँ वोट पैका मांगे फिर के लग गए अबे सिंह चौटाला है नवीन जिंदल है तो पैका मांगे हम कांग्रेस का समझ रहे हैं पहले दिन से कांग्रेसी हैं। अच्छा पहले से कांग्रेसी हैं तो जिसके जिनके साथ समझौता है तो उसी को पाएंगे। अच्छा सुशील गुप्ता को डालेंगे बस तो सुशील गुप्ता उरत है जीत का जावेगा जितना आने का पता नहीं अपना वोट देने का मतलब अपना। अच्छा बस चलो तो लगातार लोगों की राय जान रहे हैं कि आखिरकार लोगों का मन क्या है लोग चाहते क्या है और लोग अब की बार देश की सबसे बड़ी महापंचायत यानी दिल्ली में संसद में किसको भेजना चाहेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में अभय सिंह चौटाला नवीन जिंदल और डॉक्टर सुशील गुप्ता आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर